हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिचेश मेरा व्लॉग्स। और मैं हूँ रिचा। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं सुबह सुबह से। तो आप देख सकते हो कि मैंने स्वेटर पहना हुआ है, मैंने सॉक्स पहना हुआ है और मैं नहा भी चुकी हूँ। वैसे लग नहीं रही हूँ कि मैं नहा ली हूँ, बट मैं नहा चुकी हूँ। मैंने पूजा भी कर लिया है और आप देख सकते हो कि सुबह से ही पानी गिरा हुआ था, पानी जमा है रोड पे। तो आज सेकेंड डे है जब हमारे दुर्ग में बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है और बहुत ही ज़्यादा ठंडा ठंडा सा मौसम है। दिवाली के टाइम पे मैंने चिड़िया का घोंसला हटा दिया था, बट चिड़िया ने फिर से अपना घोंसला बनाना स्टार्ट कर दिया है। अब हो चुका है मेरे नाश्ते का टाइम, तो यहाँ पे बना ली है मैंने अपनी चाय और ये चूड़ा भी मैंने घर पे ही बनाया था। आज मैं लंच में बनाने वाली हूँ गोभी के पत्ते की सब्ज़ी चना दाल के साथ। मैंने कल ही आप लोगों को बताया था कि मैं गोभी पत्ते निकाल रही थी, तो मैं उसी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो ये वही गोभी के पत्ते हैं और यहाँ पे मैंने चना दाल भिगा के रखा हुआ है। चना दाल को मैंने ओवरनाइट नहीं भिगाया है, मैंने सिर्फ आधे घंटे पहले ही भिगा दिया था, क्योंकि इसे भाजी के साथ उबालना पड़ता है। तो यहाँ पे गोभी भाजी की सब्ज़ी तैयार हो चुकी है और अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मेरे रिचा मेरा शॉर्ट चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैंने उस पर अपलोड कर दिया है। हाय गाइस, तो अभी हो रहा है रात के 10:15 का टाइम और मैं आपको अभी किचन में दिख रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर बना रही हूँ जीरा राइस। और अभी तक मेरे हस्बैंड जी घर आए नहीं हैं तो मैं उनका वेट भी कर रही हूँ। एक्चुअली हमारे दुर्ग में इतनी ज़्यादा ठंड है कि मैंने दरवाज़ा लगा के रखा हुआ है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा आ रही है और शाम से बारिश भी हुई है, जिसकी वजह से ठंड थोड़ी और ज़्यादा बढ़ गई है। कल के व्लॉग में तो मैंने आपको बताया ही था कि बहुत ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है। आज मुझे व्लॉग एंड करने में बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया, क्योंकि अभी मैं दोनों चैनल के लिए वीडियो एडिट कर रही थी। रिचा मेरा शॉर्ट चैनल के लिए मैंने जो कल रेसिपी बनाई थी सब्जी की, तो वो मुझे अपलोड करना था, और कल का जो व्लॉग था वो भी मैंने आज दिन भर में अपलोड नहीं किया था क्योंकि मैं एडिटिंग नहीं कर पाई। दोनों ही वीडियो की एडिटिंग कल से पेंडिंग थी जो कि मैं नहीं कर पा रही, तो मैंने सोचा कि मैं अभी वीडियो एडिट करके अपलोड कर देती हूँ। ये वाला व्लॉग अपलोड करने से पहले जो कि आपने देख भी लिया होगा, और गाइस बहुत ही ज़्यादा ठंड है तो अभी मैं कंबल में घुस के वीडियो एडिट कर रही थी, तो इसलिए मैंने स्वेटर उतार दिया था, बट मुझे लग रहा है कि मुझे स्वेटर वापस से पहनना पड़ेगा। और गाइस आज का व्लॉग ना मैं अपने हस्बैंड के आने के बाद एंड करूँगी, तो मैं उनका वेट कर रही हूँ, देखती हूँ कि वो कितने देर के बाद आएंगे। मैं आपको बाहर का भी वातावरण दिखाती हूँ। मैं तो आ गई हूँ अंदर क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड है बाहर। अभी तो ठंड स्टार्ट भी नहीं हुई है और इतनी ज्यादा ठंड है बाहर। उफ, आई थिंक मेरे हस्बैंड आ चुके हैं। जब मेरे हस्बैंड घर आते हैं तो मोहल्ले के जो स्ट्रीट डॉग्स हैं वो भी उनके पीछे पीछे आ जाते हैं और खाना मांगने लग जाते हैं। इंतजार करते रहते कि क्या है। यहाँ पर मेरे हस्बैंड मुझे बता रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि डॉग्स मेरा इंतज़ार करते रहते हैं कि मैं कब आऊँगा और उनको खाना दूँगा। आप देख सकते हैं कि कैसे इन लोगों को एक एक रोटी मिलती जा रही है और अपनी अपनी रोटी लेके जाते जा रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है ना कि रात में हमारा जितना भी खाना बचता है ना, हम इन डॉग्स को बुलाकर दे देते हैं, इसलिए उनको आदत हो गई है। तो गाइस मेरे हस्बैंड जी आ चुके हैं, तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं कल के व्लॉग में, तो प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज रिचेश मेरा व्लॉग्स। बाय गाइज।